मैं मुझे बहुत खुशी है, और ये प्रोजेक्ट जब मैंने गाना सुना ये वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैंने ये अच्छा लगा था, ओके लगा था, फिर सुनते सुनते कभी कभी कोई चीज़ आप यू नो विजुलाइज करते हो, चीज़ें विजुलाइज करते हो, एंड देन कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा राजवीर ने पहले ही बता दिया था कि इसमें इस तरीके से मैं शूट करने की सोच रहा हूँ। एंड देन जब मेरे पास सॉन्ग आया उसके एक घंटे के बाद मैंने उसको बोला कि राजवीर मैं ये सॉन्ग कर रहा हूँ, ओके। बट उस टाइम पे इशू था कि 4 दिन बाद ही शूट करना था, एंड शूट पे अजूनी के शूट पे एकदम से आप छुट्टी का बोलो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट कहते नहीं, कभी कोई चीज़ जब होनी होती है तो अपने आप हो जाती है, वो हुआ। और जब मुझे बाद में पता चला कि सुर भी है तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हम लोग पहले काम कर चुके हैं साथ में, ऑडियंस को हमारा शो बहुत पसंद था, हमारी केमिस्ट्री बहुत पसंद थी, जोड़ी बहुत पसंद थी, तो मैं बहुत खुश था कि चलो 5 साल के बाद फिर से एक बार काम करने का मौका मिल रहा है साथ में। और सेट पे भी यही माहौल था, बहुत ज़्यादा ही मस्ती थी, ऐसा लगा नहीं कि हम लोग 5 साल के बाद मिले हैं, काम किया है। और आप सबको भी गाना अब तक बहुत पसंद आ रहा है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, कमेंट्स अच्छे हैं, और बहुत प्यार मिल रहा है, तो बस ऐसे ही देखते रहिए, प्यार करते रहिए। सी अभी क्या हो रहा है ना कि सबकी चीज़ें अलग हैं, टीवी इंडस्ट्री टेलीविजन टेलीविजन रहेगा, क्योंकि उसमें जो हमारी उस जनरेशन के लोग हैं लाइक मॉम्स हो गए, मम्मी वगैरह हो गई, नानी हो गई, दादी हो गई, जो हैं उनको आज भी वो साथ में ड्रामा ही देखना है। लेकिन जो यंग जनरेशन आ रहा है जिनको वो चीज़ नहीं पसंद है, तो उनके लिए OTT बहुत अच्छा है। एंड OTT होने से एक चीज़ बहुत अच्छी जो मुझे लगती है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा काम करने को मिल रहा है, जो कभी कभी टेलीविजन पे नहीं होता। पहले क्या होता था कि सिर्फ मूवीज़ हैं एंड सीरियल्स हैं, तो कभी कभी बहुत से लोग चीज़ें लाइक एग्जांपल IPL के पहले सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम हुआ करती थी, अभी IPL है तो सबको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, उनको चांस मिलता है खेलने का। तो ऐसे ही OTT है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, जिनको अब मौका मिलता है काम करने के लिए कि हाँ OTT पे, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट आते हैं और सब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यस, टेलीविजन टेलीविजन ही रहने वाला है भाई, क्योंकि टेलीविजन में आज भी वही सास बहू ड्रामा ही चलता है। सी देखिए, एक्टिंग कैपेबिलिटी कभी किसी प्रोफेशन को देख के आप जज नहीं कर सकते, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, हम भी एक टाइम पे कुछ नहीं जानते थे, सीख सीख के, देख देख के, समझ समझ के सीखते आए हैं। इनफैक्ट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी मेहनत करेंगे, मेहनत, और सिर्फ वो नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स है, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, अगर इंसान में वो शिद्दत है काम करने की, अगर इंसान में वो है कि नहीं यार मुझे एक्ट करना है, उसको मेहनत करना है, और मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है, आप सबको पता है, तो आई थिंक क्यों नहीं। ये सिर्फ क्योंकि वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स हैं या जनरल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको सिर्फ एक्टिंग करना है, वो अच्छे हैं या नहीं है वो डिपेंड नहीं करता उस पर, आप उस चीज़ को लेके किसी को जज नहीं कर सकते हो। बट यस, हाँ, अगर उनमें है कि उन्हें एक्ट करना है तो यस, मेहनत बहुत लगती है, सबको बहुत लगती है, हमें भी बहुत लगी है, हमने भी बहुत करी है, हम अभी भी करते हुए आ रहे हैं। बट यस, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। यस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अपने फैंस को, मैं उनको एक्सटेंडेड फैमिली बोलता हूँ कि आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा इतना प्यार देने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हैं तो हम हैं आपके लिए। एक और एक नया सॉन्ग जो है वो आप सबके सामने आया है, अभी तक रिव्यू बहुत अच्छे हैं, बस उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी उतना ही प्यार दें और दिल से इसको देखें, इसको सुनें और अपना प्यार बरसाते रहें। आई लव यू ऑल।